उदाहरण तीन का पहला, गुणनखंड करके समीकरण को हल कीजिए। समीकरण पहला, 8x2 ऋण 22x ऋण 21 बराबर 0। हल, 8x2 ऋण 22x ऋण 21 बराबर 0। सबसे पहले हम यहाँ पे 22 ऋण 22x को, जो मध्य पद है हमारे पास वर्ग समीकरण का, इसको हम तोड़ेंगे। 21 को 8 से जैसे हम गुणा करेंगे तो 168 आएगा, और 168 का संभावित गुणनखंड निकालेंगे, जिसमें हमें प्राप्त होगा 8x2 को हम वैसे लिखेंगे, और ऋण 22x को हम लिखेंगे ऋण 28x धन 6x और ऋण 21 का ऋण 21 बराबर 0। यहाँ देखेंगे ध्यान से, ऋण 28x और धन 6x का जब हम योग करेंगे तो हमें ऋण 22x प्राप्त हो रहा है, और कहीं हम 28 को 6 से गुणा करेंगे तो हमें 21 और 8 का गुणनखंड 168 प्राप्त हो रहा है। इसके बाद हम पहला दो पद लेंगे, और इसमें जो उभयनिष्ठ संख्या जो है उसको कोष्टक के बाहर लिखेंगे। तो 8 और 28 में संख्या 4 जो है उभयनिष्ठ है, और x2 और x में x उभयनिष्ठ है, तो हम यहाँ पे 4x को दोनों पदों से, प्रथम पद और द्वितीय पद से 4x का को उभयनिष्ठ निकालेंगे। तो 4 के पहाड़े में 8, 4 दूनी तो 2, और x हम बाहर निकाल चुके हैं तो 2x प्राप्त होगा, और ऋण 4 के पहाड़े में 28, 4 गुणा 7 28 होता है, तो 7 यहाँ रख, x को हमने निकाल चुका है तो कोष्टक को हम बंद करेंगे। उसी तरह से 6x और ऋण 21 में उभयनिष्ठ संख्या 6 और 21 जो है 3 के पहाड़े में आता है, तो हम 3 उभयनिष्ठ निकालेंगे अंतिम दो पद में। तो कोष्टक के अंदर में 3 के पहाड़े में 6 हमारा आता है 2, तो 2x लिखे, और उसी तरह से ऋण का चिन्ह ऋण लगाए, और 3 के पहाड़े में 21, 3 सत्ते तो 7 लिखे बराबर 0। या अब हमारे पास समीकरण के बाएं ओर दो पद है, 4x कोष्टक में 2x ऋण 7 पहला पद, और दूसरा पद है 3 कोष्टक में 2x ऋण 7। इन दोनों पदों में उभयनिष्ठ जो है कोष्टक के अंदर वाली संख्या 2x ऋण 7, ये उभयनिष्ठ है, तो दूसरे कोष्टक में हम 4x धन 3 को लिख लेंगे। इस तरह से वर्ग समीकरण के बाएं पक्ष का हमने गुणनखंड ज्ञात किया। इसके आगे, या 2x ऋण 7 कोष्टक बंद बराबर 0, या 4x धन 3 कोष्टक बंद बराबर 0, या तो 2x ऋण 7 बराबर 0 होगा, या 4x धन 3 बराबर 0, दोनों में से एक जो कोष्टक के अंदर वाली संख्या 0 होगी, तो यह बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर हो जाएगा। इस तरह से अब हम कोष्टक को खोलेंगे तो हमें 2x ऋण 7 बराबर 0 मिलेगा, या 4x धन 3 बराबर 0 प्राप्त होता है, या 2x बराबर ऋण 7 का पक्षांतर करेंगे तो हमें 7 प्राप्त होगा, या 4x बराबर धन 3 का पक्षांतर करेंगे तो ये ऋण 3 होगा, या x बराबर हमें मिलेगा 2 का पक्षांतर करेंगे तो ये बटा में चले जाएगा 7/2, तो x का मान 7/2,
या x का मान x बराबर ऋण 3/4। अतः x बराबर 7/2 और ऋण 3/4 समीकरण के दो मूल है। तो हमने इस वर्ग समीकरण के दो मूल ज्ञात किए, पहला x बराबर 7/2 और दूसरा x बराबर ऋण 3/4। यह इस उदाहरण का हल होगा, उदाहरण 3 का दूसरा। गुणन खंडन करके समीकरण को हल कीजिए। दूसरा, x की घात 2 धन 2 वर्गमूल 2 x ऋण 6/0। हल, x की घात 2 धन 2 वर्गमूल 2 x ऋण 6/0। यहां पे हम मध्य पद 2 वर्गमूल 2 x को तोड़ेंगे। तोड़ने के लिए हम लिखेंगे इसको x की घात 2 धन 3 वर्गमूल 2 x ऋण वर्गमूल 2 x और ये ऋण 6 का ऋण 6/0। अब कहीं हम 3 वर्गमूल 2 और वर्गमूल 2 को कहीं गुणा करेंगे तो हमें वर्गमूल 2 गुणित वर्गमूल 2 2 प्राप्त होगा और 2 तिया 6 जो कि हमारा अंतिम पद के बराबर है। और कहीं हम 3 वर्गमूल 2 x में से घटाएंगे वर्गमूल 2 x को तो हमें 2 वर्गमूल 2 x प्राप्त होता है। इस तरह से हमने 2 वर्गमूल 2 x को तोड़कर लिखा है, मध्य पद को हमने तोड़ के लिखा है। इसके बाद हम आगे चलते, या पहले दो पदों में हम उभयनिष्ठ निकालेंगे। उभयनिष्ठ निकालने के पहले हम देखते हैं कि दूसरे पद में वर्गमूल 2 है जबकि अंतिम पद में वर्गमूल 2 नहीं है। ऐसी स्थिति में हम x की घात 2 धन 3 वर्गमूल 2 x ऋण वर्गमूल 2 x और ऋण 6 को हम जानते हैं कि हम 6 को 3 गुणा 2 लिख सकते हैं क्योंकि इस पद में वर्गमूल 2 है और यहाँ पे वर्गमूल 2 नहीं है और हमको वर्गमूल 2 उभयनिष्ठ निकालना है और हम जानते हैं कि 6 जो होता है 3 गुणा 2 होता है। तो हम 3 और 6 को 3 गुणा वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2 के रूप में लिखेंगे। अब कहीं हम इसका गुणा करते हैं, वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2 ये 2 होगा और 2 तिया 6। अब कहीं हम इन दोनों अंतिम पदों से वर्गमूल 2 उभयनिष्ठ निकालेंगे तो हमारे पास जो है x धन 3 वर्गमूल 2 प्राप्त होगा जो कि यहाँ पे भी उभयनिष्ठ निकलेगा। आइए आगे देखते हैं, या इन दोनों पदों में उभयनिष्ठ x निकल रहा है तो कोष्टक में x धन 3 वर्गमूल 2, उसी तरह से अंतिम दो पदों में उभयनिष्ठ ऋण वर्गमूल 2 को हम उभयनिष्ठ निकालेंगे तो अंदर कोष्टक में x, यहाँ पे हमने ऋण को निकाल लिया, उभयनिष्ठ निकाल लिया तो धन 3 वर्गमूल 2 बराबर 0। या अब हमारे पास दो पद है, x कोष्टक में x धन 3 वर्गमूल 2 कोष्टक बंद ये पहला पद और ऋण वर्गमूल 2 कोष्टक में x धन 3 वर्गमूल 2 कोष्टक बंद ये दूसरा पद। इन दोनों पदों में हम उभयनिष्ठ निकालेंगे कोष्टक के अंदर x धन 3 वर्गमूल 2, ये हमने उभयनिष्ठ निकाला तो दूसरे कोष्टक में हम लिखेंगे x ऋण वर्गमूल 2 कोष्टक बंद बराबर 0।
अब यहाँ पे इसे या हम लिख सकते हैं x धन 3 वर्गमूल 2 बराबर 0 होगा, या तो x धन 3 वर्गमूल 2 बराबर 0 होगा या x ऋण वर्गमूल 2 बराबर हमें 0 प्राप्त होगा। या हम धन 3 वर्गमूल 2 का पक्षांतर करेंगे तो x बराबर हमारे को मिलेगा ऋण 3 वर्गमूल 2 या x बराबर वर्गमूल 3 वर्गमूल 2 का पक्षांतर करेंगे तो ये वर्गमूल 2 होगा। अतः x बराबर ऋण 3 वर्गमूल 2 और वर्गमूल 2 समीकरण समीकरण के दो मूल है। अतः x बराबर ऋण 3 वर्गमूल 2 और वर्गमूल 2 समीकरण के दो मूल है। यह इस उदाहरण का हल होगा।